गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आपका स्नेहा जी और हमारी तरफ से। स्नेहा, गुड इवनिंग कर लीजिए हमारे दोस्तों को। हेलो व्यूअर्स, ओमिक्रॉन के बारे में हम डिस्कस करने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल, ये बेहद खतरनाक है। टोटल केसेस स्नेहा 161 केसेस है, खतरनाक इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अभी भी शुक्र है इन्फेक्शन जो है माइल्ड देखा गया, अभी तक देखा गया है, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखा गया है जी। आगे कैसे ये म्यूटेट करेगा, आगे क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता, इसलिए प्लीज प्लीज आपको अलर्ट रहना है। दो डॉक्टर्स भी हमारे साथ होंगे। अभी तक जो दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं वो हो चुके हैं 62,426 जी, बाकी दुनिया के। डॉक्टर लहरिया, डॉक्टर भाटी, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत स्वागत, शुक्रिया। डॉक्टर भाटी, जो हेल्थ केयर सिस्टम में जिस तरीके से हमने प्रेशर देखा था डेल्टा वेरिएंट के सेकेंड वेव के दौरान, क्या इस तरीके का प्रेशर ओमिक्रॉन की वजह से भी आएगा? देखिए, इस बार अगर हम कंपेयर करें पिछली बार से, पिछली बार के अंदर हम अगर स्पेसिफिकली दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में दिसंबर के अंदर हम पिछले साल बात करें तो सेकेंड या थर्ड वेव, मतलब थर्ड वेव दिल्ली के अंदर तो स्पेशली आ चुकी थी। एक चीज का फर्क है पिछली बार और अब में। पिछली बार अगर हम बात करें तो हमारा इस तरह से हर्ड इम्यूनिटी लोगों में नहीं थी, इतने लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट नहीं हुए थे, ना ही वैक्सीनेशन वाली ड्राइव शुरू हुई थी। तो एक तो ये वाला फर्क, क्योंकि हमारे ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर अभी वैक्सीनेटेड हो गए हैं। अब इस पे एक चैलेंज है अभी यहाँ पर, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 11 स्टेट के अंदर ये पहुंच चुका है, तो ये तो वो डेटा है जो हमने, मतलब जो टेस्ट किए हैं और उसके बाद वहां पर ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ। और ज्यादातर अगर अब 11 स्टेट की बात भी करें तो ये बड़े शहर हैं, छोटे शहरों का डेटा अभी उस तरह से हमारे सामने आगे आया नहीं है। तो ये निश्चित है कि ओमिक्रॉन का जो संख्या है वो अभी इससे ज्यादा होगी। अभी इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी के ऊपर हमारे पास डेटा आया, पर यहाँ पर एक चैलेंज है कि अभी हम देख रहे हैं कि विंटर्स के अंदर स्पेशली, ये जब हमने दिसंबर में भी लास्ट ईयर देखा था, विंटर्स के अंदर हमारी जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, सांस संबंधी बीमारियां, वो वैसे भी बढ़ जाती है। इस टाइम अगर सर्ज होता है तो वो थोड़ा हमारे पास चैलेंज होगा, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमिटी का मेंबर भी, और अभी हम देख रहे हैं हमारे अनवैक्सीनेटेड लोग काफी ज्यादा हैं, सिंगल वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या भी है। इसके अलावा जो अभी जिस तरह से लास्ट ईयर भी हमारा न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम केसेस में स्पाइक आया था, और अभी वेडिंग सीजन भी चल रहा है, ये सब चीजों को देखते हुए निश्चित तौर पर अभी हमें बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि डेटा इस तरह का आ रहा है कि इसमें केसेस पेशेंट्स काफी ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक भी है। जब हम माइल्ड सिम्टम और एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं तो वहां स्प्रेड होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सिम्प्टोमेटिक है तो निश्चित तौर पर आप प्रिकॉशंस लेंगे, पर अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो आप उस तरह से सावधानी नहीं बरतेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मास्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो चीजें अभी देखनी है, एक हमें संक्रमण को रोकना है, ट्रांसमिशन को, और दूसरा हमें जो बीमारी की गंभीरता और हॉस्पिटलाइजेशन है उनको रोकना। और जैसा आप बता रहे थे कि प्रिपरेशन की बात, देखिए प्रिपरेशन में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी हद तक ठीक ठाक अब हो गया, और अभी हम जैसे इसको प्रोएक्टिवली मैनेज भी कर रहे हैं, पर हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको निश्चित तौर पर अभी एक एडिशनल डोज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि अभी उनको 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और जो इम्यूनिटी लेवल उनमें डिक्लाइन होता हुआ देखा गया है। यूके के अंदर भी हमने देखा है कि काफी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी इन्फेक्ट हुए हैं।